ब्लड कैंसर से जूझ रही कॉलेज छात्रा के लिए 3 सहयोगी छात्र जीवन दान लेकर आए हैं। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ रही एमएससी की छात्रा वर्षा कुमारी कुछ समय से ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं और इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपए खर्च आएगा। आर्थिक तंगी के चलते वर्षा के परिवारजन इलाज करवाने में असमर्थ हैं, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ने वाले 3 सहयोगी छात्रों ने चंदा एकत्रित करके वर्षा के इलाज के लिए 82,000 रुपए की राशि जुटाई है, जिसे कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से वर्षा के परिजनों को दिया गया ताकि इलाज चल सके। वर्षा कुमारी के पिता विजय कुमार ने बताया कि बेटे के इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है और 82,000 रुपए की राशि छात्रों ने चंदा इकट्ठा करके दी है, जिस पर छात्रों और अध्यापकों का आभार जताता हूँ। वर्षा कुमारी, मैं उसका पिता विजय कुमार बोल रहा हूँ। मेरी बेटी वर्षा कुमारी ब्लड कैंसर रोग से पीड़ित है। मैंने मीरपुर कॉलेज के प्रिंसिपल जी से बात नहीं करती और मीरपुर कॉलेज के स्टाफ की ओर से, प्रिंसिपल साहब की ओर से और कॉलेज स्टूडेंट्स की ओर से कुछ राशि जो है वो मुझे दी गई है, जो लगभग 82,000 के करीब करीब है। मैं प्रिंसिपल साहब का, कॉलेज स्टाफ का, तो कॉलेज के बच्चों का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और ताकि ये कामना करता हूँ कि उनकी दी हुई राशि मेरी बेटी के जीवन को सुधारने में काम आए। कॉलेज प्रिंसिपल हरदीप सिंह जवाल ने बताया कि छात्रा के इलाज के लिए 30 लाख की जरूरत है, जिसके लिए छात्रों ने चंदा इकट्ठा कर कुछ मदद की है, जो कि काबिल तारीफ है। कैंसर से पीड़ित है और उनके पिताजी हम देखें कि इसका खर्चा 30 लाख के करीब है। तो हमारे जो एमएससी के जो बच्चे हैं, ये आए थे मेरे साथ, मेरे पास आए थे, उन्होंने सारा केस रखा। डॉक्टर जैसे रामायण जी के साथ आए थे, तो ये तो मैं सबसे पहले तो इनका जो बेटियां हैं शामली, शिवाली और जो रोहित विकास है एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई और घूम घूम करके उनको 6,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। ये जो पूरी मेरे पास राशि इकट्ठी हुई है, ये 82,247 हुई है। छात्र ने बताया कि जब पता चला कि वर्षा ब्लड कैंसर से जूझ रही है तो सहायता के लिए योजना बनाई और इसके तहत ही चंदा इकट्ठा करके 82,000 रुपये दिए गए हैं ताकि इलाज शुरू हो सके। पता चला कि हमारी क्लासमेट वर्षा कुमारी इस ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही है, सो बीइंग हर फ्रेंड वी थॉट दैट वी शुड डू समथिंग। तो एक इंसान के लिए तो पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, तो हम सभी क्लासमेट्स ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम अपने कॉलेज कैंपस में घूमकर अपने विद्यार्थी छात्र छात्राओं से, अपने दोस्तों से कुछ डोनेशन इकट्ठा कर सकें ताकि हम हमारी जो क्लासमेट है उसकी हेल्प कर सकें। सो वी डिसाइडेड दिस एंड वी वेंट थ्रू द कॉलेज, we talked to many students, we told them about this and we were able to collect around 7,000 rupees and our class also around 15,000 rupees we collected. So jo bhi humne rashi ikatthi ki wo hum Usha ke pita ji ko de rahe hain। छात्रा ने बताया कि अपनी सहयोगी वर्षा के इलाज के लिए कुछ पैसे चंदा करके इलाज के लिए दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा का ब्लड कैंसर अभी प्रथम चरण में ही है और इन पैसों से अब इलाज शुरू हो सकेगा। जैसे हमें पता लगा था कि उसको ब्लड कैंसर है, तो वैसे हमें पता नहीं था, लेकिन हमें औरों से पता लगा तो हमें काफ़ी दुख हुआ इस बारे में सुन के। और फिर हमने सारी क्लास ने मिलकर एक मीटिंग की और फिर हमने पैसे इकट्ठे किए ताकि वो बच सके। और जैसे हमें पता लगा कि अभी फर्स्ट स्टेज पे ही है, तो थोड़ी होप थी कि वो बच सके, तो उस वजह से हमने पैसे इकट्ठे किए अराउंड 15,000 के करीब करीब। और बाकी टीचिंग स्टाफ ने काफ़ी हेल्प की, हमारे प्रिंसिपल सर ने काफ़ी हेल्प की हमारी, और फिर अब आज हमने उसको, उसके फादर को हमने ये सारी राशि कर दी। गौरतलब है कि हमीरपुर कॉलेज में एमएससी मैथ की छात्रा वर्षा चोलथरा की रहने वाली है और उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। वर्षा के पिता प्राइवेट नौकरी करती हैं और इलाज करवाने में असमर्थ हैं, जिस पर अब ये 3 छात्र वर्षा के लिए जीवन दायिनी बनकर आए हैं, जिनकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है।